श्रद्धा चैनल के समस्त दर्शकों को श्रद्धा पूर्वक नमन, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। प्रतिदिन वेदवाणी कल्याणीवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत एक नया वेद मंत्र एक नए विषय के साथ लेकर के आपके बीच में उपस्थित होता हूँ और प्रयास रहता है किसी सामयिक विषय पर चर्चा की जाए जो किसी सामयिक समस्या का समाधान कर सके, क्योंकि एक बात दृढ़ संकल्प बनकर के मन में बैठ चुकी है कि हम मनुष्यों की समस्त समस्याओं का समाधान यदि किसी एक स्थान पर निहित है तो वह केवल और केवल एक ही स्थान है, वह है वेदवाणी कल्याणी वाणी अपौरुषेय ग्रंथ ईश्वरीय वाणी। और ऐसा क्यों है, मैं कई बार इस बात को अपने कार्यक्रम में दोहरा चुका, लेकिन मन करता है कि हर कार्यक्रम से पूर्व इसे सिद्ध करके बतला दूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि परम पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता ने सर्वज्ञ ने सृष्टि के निर्माण के समय ही सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक आचार संहिता, एक संविधान, एक नियमावली, एक अनुकरणीय ज्ञान वेद ज्ञान के रूप में प्रदान किया। जैसे किसी भी एक भौतिक सामग्री के लिए, उपभोक्ता सामग्री के लिए, उसका निर्माता उसके प्रयोग से पूर्व पढ़ने के लिए आवश्यक कर देता है क्या जो एक निर्देशिका पुस्तिका साथ वह देता है कि इसको पढ़ने के उपरांत ही इस उपभोक्ता सामग्री का प्रयोग करना। तो क्या सर्वज्ञ परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए इस सृष्टि में किस प्रकार से जीवन यापन करना है इसके लिए कोई ज्ञान नहीं दिया था? परम पिता परमेश्वर ने वेद ज्ञान वेद वाणी कल्याणी वाणी सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए प्रदान किया था और वही वेद ज्ञान हमारी आज की समस्त समस्याओं का समाधान अपने में लिए हुए है। आज इसे थोड़ा अलग ढंग से भी कहते हैं, यदि हम अपना जीवन वेदानुकूल व्यतीत करते अर्थात वेद की आज्ञाओं को जानते और मानते, जानने मानने के उपरांत उसी के अनुसार अपना जीवन यापन करते तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती थी। अब जब वेद ज्ञान ना पढ़ा, जहां वेद ना है नहीं है वही वेदना है, इसीलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना हम सभी का परम धर्म बतलाया गया। अब चूंकि वेद नहीं पढ़ा तो समस्या ने आना ही था, लेकिन अब हम समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें वेद को ही देखना होगा, वेद ज्ञान की तरफ ही हमें झांकना होगा, उसी वेद मंत्रों से ही अब हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक अपना देखते हैं अपने जीवन के अंदर तो एक आश्चर्य दिखाई देता है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन करके खड़ा है। क्या एक बूढ़ा है, श्वेत बालों वाला बूढ़ा जो सभी जवानों को निगलते चले जा रहा है, या इसे दूसरे ढंग से समझे कि सभी के सभी जवान जो इस सृष्टि में पैदा हुए उत्पन्न हुए ना जाने क्यों निरंतर इस बूढ़े के मुख में लीन होते हुए मृत्यु हो रहे हैं, मरण धर्मा होते हुए मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये बूढ़ा कौन है और ये जवान कौन है, ये बूढ़ा किस तरह से सभी जवानों को लीलता चला जा रहा है, निगलता चला जा रहा है। ये बूढ़ा है काल और काल के गाल में हम सभी निरंतर जिनका भी जन्म हुआ
वह समाते चले जा रहे हैं। कहा भी है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म अवश्य होगा। ये आश्चर्य है, हम इसे देख रहे हैं लेकिन इसे समझ नहीं पा रहे हैं। आज एक वेद मंत्र ले रहा हूं जो ऋग्वेद सामवेद और अथर्ववेद तीनों वेदों में आया है, जो इस आश्चर्य की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करता है। ये आश्चर्य किस प्रकार से हम इसे समझ पाएं और इसको देख करके फिर हैरान ना हो, आश्चर्य चकित ना रह जाएं। आइए पहले वेद मंत्र लेते हैं। विदुम दद्राण समने बहुनाम युवानम संतम पलितो जगार, देवस्य पस्य काव्यम महित्वाद्या ममार सहव्य समाना। अर्थ, युवानम संतम, एक ऐसे नौजवान को विधुम, जो कि विविध भिन्न भिन्न प्रकार के काम करने वाला है, और समने रण में बहुनाम बहुतों को, दद्राणम मार भगाने वाला है उसे, पलितहा एक बूढ़ा जगार निगल जाता है। आइए अब पहले यहां तक समझ लेते हैं कि ये मंत्र यहां तक क्या कहना चाहता है। युवानम संतम, एक ऐसे नौजवान को, हम आयु को कैसे सिद्ध करते हैं? मेरी आयु किसी अन्य के मुकाबले में अधिक है, अर्थात यदि उससे मैं तुलना करता हूं तो मैं बूढ़ा हूं, मैं अपने बच्चे के लिए बूढ़ा हूं, उससे आयु में अधिक हूं, लेकिन मैं अपने पिता के लिए एक नौजवान हूं, मेरे पिता मुझसे अधिक वृद्ध होने के कारण मैं उनका आदर करता हूं, बेटा मेरा आदर करता है और ऐसा करना चाहिए, ऐसा संदेश है। युवानम संतम, एक ऐसे नौजवान को, अब यहां इस नौजवान की आयु की तुलना हम किससे कर रहे हैं? हम यहां उसकी आयु की तुलना काल गणना से कर रहे हैं, काल से कर रहे हैं, जिसके गाल में हर उत्पन्न होने वाला व्यक्ति अपनी आयु पूर्ण करने के उपरांत समा जाता है, और अपने जीवन काल में हम सभी विविध काम करने वाले हैं। विविध विधुम कहा, जो कि विविध काम करने वाला है, और सम ने रण में, जीवन संग्राम में, जीवन के रण में अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उस मार्ग पर निरंतर चलते हुए बहुनाम बहुतों को दद्राणम मार भगाने वाला है। मैंने अपने जीवन में ना जाने कि अपने जीवन रण में कितनों को मार भगाया है, अर्थात दूर कर दिया है, और उसके बावजूद पलितः एक बूढ़ा, यहां बूढ़ा कौन है जो मुझे भी निगल जाने वाला है, वह काल है, जगार निगल जाता है, अर्थात मैं अपनी आयु पूर्ण करने के उपरांत अंततः काल के गाल में समा जाने वाला हूं, मरण धर्मा होने के कारण, मर्त्य होने के कारण मेरा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी। तो निश्चित रूप से कहा ना, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु मृतस्य च ध्रुव जन्म मृतस्य च, गीता का ये ज्ञान है, जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु और जिसका भी जिसकी भी मृत्यु हुई उसका पुनर्जन्म अवश्य होता है, अर्थात अपनी आयु पूर्ण करने के उपरांत मुझे जिस बूढ़े ने मुझे निगल जाना है, या जिस बूढ़े के काल के गाल में मुझे समा जाना है, वह काल मेरी आयु की तुलना में, मेरी मनुष्य जाति की आयु कितनी कही,
जीवेम श्रद्धा शतम 100 वर्ष तक कही गई, तो 100 वर्ष की आयु उस काल गणना के मुकाबले में बहुत ही थोड़ी है। अब मैं चाहे 100 वर्ष का वृद्ध हो जाऊं, लेकिन काल की तुलना में मैं नौजवान हूं और काल एक सफेद बालों वाला अत्यंत वृद्ध लेकिन अंततः मुझ नौजवान को वह निगल जाने वाला है। इसीलिए आगे कहा, अब इस आश्चर्य से को समझने के लिए इस मंत्र का अगला भाग आता है, देवस्य देव के महित्वा। इस बड़े महत्व वाले काव्यम काव्य को पश्य देख, मैं किस काव्य को देखूं? वह देवों का देव परम देव, उसका काव्य क्या है? ये समस्त संसार, ये समस्त सृष्टि जो उस सृष्टिकर्ता ने रच दी, वह उस ईश्वर का काव्य है। एक दूसरा, उस परम पिता परमेश्वर ने, मैंने प्रारंभ में ही कहा कि सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए एक काव्य दिया जिसे वेद ज्ञान कहा गया, वेद वाणी कहा गया, ईश्वरीय वाणी कहा गया, अपरुषेय ग्रंथ कहा गया। इसीलिए कहा देवस्य देव के महित्वा, इस बहुत महत्व वाले काव्यम काव्य को पश्य देख की। मुझे क्या देखना है? मुझे इस सृष्टि में, संसार में, प्रत्येक वस्तु में, रचना में रचनाकार को देखना है। प्रत्येक वस्तु में यही देखना है कि ये तमाम वस्तुएं, ये पूरा का पूरा संसार, इसका रचयिता वह परम पिता परमेश्वर है। इस सृष्टि का समस्त ऐश्वर्य जो मुझे प्राप्त हो रहा है, वह ऐश्वर्यशाली परम पिता परमेश्वर ही प्रदान कर रहे हैं। मेरे जीवन के समस्त सुख के साधन, वह सुख स्वरूप कस्मै देवाय हविषा विधेम का असात, अर्थात वही सुख स्वरूप दे रहे हैं। इसीलिए मैं इस काव्य को देखूं और इस काव्य को देखते हुए, इस रचना को देखते हुए उसमें रचनाकार को अनुभूत करूं, अनुभव करूं। एक दूसरा, अपने जीवन यापन से पूर्व, अपना जीवन यापन करते हुए मेरे लिए जो अत्यंत आवश्यक है कि मेरा जीवन वेदानुकूल चले, मैं वेद के अनुकूल, ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करते हुए, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है और यही धर्म की परिभाषा भी है, मैं उसके अनुकूल अपना जीवन यापन करूं। इसीलिए कहा देवस्य देव के महित्वा, इस बड़े महत्व वाले काव्यम काव्य को पश्य देखूं। हे असम आन, कल जो भी जी रहा था सह वही अद्य आज ममार मरा पड़ा है। मैंने उस काव्य में देखा जिसका भी जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी आवश्यक है और जिसकी मृत्यु हुई उसका पुनर्जन्म होना आवश्यक है। आइए अब इस वेद मंत्र को कुछ सूक्त वाक्यों में समेटते हैं। हे मनुष्यों, आश्चर्य देखो कि सभी जवानों को एक श्वेत बालों वाला बूढ़ा निगल जाता है। जो कल जी रहा था वह आज मरा पड़ा है। दुनिया में जो प्रतिदिन हजारों मनुष्य मर रहे हैं, उन्हें कौन निगल रहा है? इस आश्चर्य को समझो। आत्मा अपने में प्रतिदिन प्राण और इंद्रियों को निगलता है,
परम बुद्धा काल रूप परमेश्वर बड़े वेग से क्रियाशील अगम ब्रह्मांड चलते फिरते नौजवान संसार को निगल लेता है। अंततः जब सृष्टि का संहार करता है तब भी तो वह काल रूपी बूढ़ा इस संसार को, जो कि आयु की अवस्था में जब हम तुलना करते हैं तो नौजवान है, उसे निगल जाता है। और मुझे जगत की प्रत्येक घटना इसकी क्षण भंगुरता को दिखाती है। वह परम देव ही महत्वशाली काव्य को पढ़ाएगा और पदार्थ पाठ देगा कि कल जो जीता था आज मरा पड़ा है। हम अपनी और संसार की अनित्यता को जाने और अपनी शक्ति अल्प कर्म शक्ति का अहंकार छोड़ दें। जिस दिन मुझे अहंकार या अभिमान मेरे भीतर से समाप्त हो जाएगा उस दिन मैं ईश्वर के प्रति और ईश्वर के उस काव्य के प्रति स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर पाऊंगा। आइए अब अंत में दो स्वरचित दोहे देते हुए प्रयास करता हूं इस मंत्र को काव्यार्थ देने का। दौड़ा भागा जा रहा होगा उसमें लीन, क्षण भंगुर जगत सभी काव्य यह प्राचीन। ये काव्य प्राचीन वेद ज्ञान, बूढ़ा निगले सभी को चाहे बड़ा जवान, मत करना अहंकार तू सत्य यही पहचान, सत्य यही पहचान। ओम इति शम।